केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। जहां राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव प्रचार को लेकर पूरी तरह से जोर आजमाइश लगातार जारी है। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने दावा किया है कि इस उपचुनाव में कांग्रेस की भारी मतों से जीत होगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल ने क्षेत्र के विकास को लेकर और महिलाओं के हितों को लेकर कोई विशेष प्रयास नहीं किए हैं। यहाँ तक कि प्रदेश में महिला अपराधी में बढ़ोतरी के बावजूद वे चुप रही और इस पर उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। इसके साथ साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि केदारनाथ यात्रा के दौरान प्रदेश सरकार की लापरवाही के चलते लोगों को काफी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा है। छोटे व्यापारियों का व्यापार भी ठप हुआ है और उनको बेवजह परेशान भी किया गया। ऐसे में वहाँ के लोग सरकार से नाराज हैं और वे कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। चुनाव कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी के कुशासन से लोग परेशान हैं। केदारनाथ यात्रा या चारधाम यात्रा को जिस तरीके से बीजेपी ने बर्बाद किया है पिछले 2-3 सालों में, उससे वहां का व्यापार घटा है और लोगों में खासी नाराजगी उस बात को लेकर है। अस्पताल और स्कूलों की हालात ठीक नहीं है, कंडी डंडी वाले परेशान हैं, घोड़े खच्चर वाले परेशान हैं, जिन्होंने गौरीकुंड से लेकर ऊपर तक दुकानें जो छोटे लोग लगाते थे उन सबको बहुत नुकसान हुआ है। उनको 5,900 रुपये की पर्ची पहले काटी गई और 10,000 रुपये के चालान फॉरेस्ट ने उनके काटने का काम किया है, जो निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इन सब चीज़ों को लेकर वहाँ नाराजी है। दूसरी जो सबसे बड़ी नाराजगी है बीजेपी के महिला गार्ड को लेकर, जिस आशा नौटियाल को टिकट दिया गया है वो बीजेपी के महिला मोर्चे के अध्यक्ष हैं और पिछले जब से वो अध्यक्ष बनी है लगातार महिला अपराध पर मौन लेके बैठी हैं। उनके अध्यक्ष रहते हुए उत्तराखंड भारत के 9 हिमालय राज्यों में पहले स्थान पर आ गया। अंकिता भंडारी के मामले में नहीं बोली, संतरेसा में 14 साल की बेटी के तेज नगरी में लव जिहाद के मामले रुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जहां 1 महीने में तीसरा लव जिहाद का मामला सामने आया है। पुलिस ने समुदाय विशेष के युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक ऋषिकेश स्थित भरत विहार में लगे मेले के दौरान झूला कर्मी ने एक नाबालिग के साथ अकेले में छेड़छाड़ कर दी थी। स्थानीय लोगों ने झूला कर्मी को नाबालिग के साथ अश्लील हरकतें करते हुए देखा तो उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि आरोपी का नाम शादाब है और वह सरगना मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। आरोपी भरत विहार में लगे मेले में झूला चलाने का काम करता है, जहां मेले में पहुंची IDPL क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग को शादाब ने फ्री में झूला झूलने का झांसा दिया और उसे एक ट्रक के पीछे अकेले में ले गया, जहां उसने नाबालिग के साथ अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने नजारा देखा तो झूला कर्मी को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में नाबालिग के पिता ने पुलिस